भाग बच्चों, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग दशम वर्गाय संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, मैंने पाठ तृतीय व्यायाम सर्वदा पथ्या यानी व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है सुरसत संहिता से है और ये इसके मैंने आपको पद्यों को पढ़ाया और समझाया। इसी पाठ के बच्चों मैंने आपको एक पदें जो प्रश्नोत्तर है उनको पढ़ाया। आज हम इसी पाठ के और आगे के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, व्यायाम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। उससे हमारा शरीर कैसा होता है, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। ये सारे पद्यों को मैंने आपको पढ़ाया। चलिए आगे प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। आपकी पुस्तक में ये दिए होंगे और आपको बहुत अच्छे से इनको लिखना है। और बेटा लिखना ही नहीं है, आपको लिख करके इनको याद भी करते जाना है। पहला है, कीदृशम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। कीदृशम यानी कैसा, कर्म व्यायाम यानी व्यायाम, संगीतम नाम वाला कहा गया है। कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया। उत्तर, शरीराय शरीरा यास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। दूसरा है, गया मात किम किम और किम पूय जायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो क्या उसका उत्तर आएगा, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता परम च आरोग्यम अपि व्यायाम मात उपजायते। परिश्रम की थकान, प्यास गर्मी सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। जरा कस्य शंकाशम सहसा ना समधि रोहती। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता। जरा व्यायाम भी तरस्य सकाशम सहसा न समाधि रोहती। जरा यानी बुढ़ापा, व्यायाम भी तरस्य सकाशम सहसा न समाधि रोहती। जो बुढ़ापा है, जो व्यक्ति व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के पास अचानक नहीं आता। बुढ़ापा, जो व्यक्ति अच्छा व्यायाम करता है तो उससे क्या होता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, तो बुढ़ापा जल्दी उसके पास नहीं आता। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। किसका खराब भोजन भी पच जाता है। नित्यम व्यायामम कुर्वता विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। नित्यम यानी प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी क्या होता है, पच जाता है। कभी कभी जैसे कुछ खा लिया जाता है ना, तो जो भी चीज हम खाते हैं और यदि हम प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं तो उससे भी वो जो भोजन है वह भी क्या हो जाता है, पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य। बलस्य यानी जितना आपका बल है उससे आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य है ना, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलस्य लक्षणम किम। आधे बल का लक्षण क्या है। यदा हृदय स्थानात् स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायामम कुर्वतः जंतो अर्धबलस्य लक्षणम। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है तो वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। इस प्रकार यहाँ प्रश्न उत्तर पढ़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदाहरण, मनुस्मृत्य कोष्ठ गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तुं प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जैसे दिया है व्यायाम खाली स्थान हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो व्यायाम गुण हीनमपि सुदर्शनम करोति, यह तृतीय विभक्ति का, ठीक है। फिर खाली स्थान व्यायाम कर्तव्य बलस्यार्थ, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर दिया हुआ है, बलस्यार्धनेन, बलस्यार्धनेन। फिर दिया है खाली स्थान सदृशम किंचित स्थौल स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, क्या दिया को ब्रैकेट के अंदर व्यायाम, तो इसमें क्या आएगा व्यायामेन, व्यायामेन, ठीक है। फिर गा खाली स्थान जीवन बिना जीवना नास्ति विद्या, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्या, नीचे दिया हुआ है। घा स खाली स्थान खंजह अस्ति, चर चरण दिया है, तो चूंकि तृतीय विभक्ति का प्रयोग है तो क्या आ जाएगा चरणेन, चरणेन। फिर है सूपकार भोजनम जिघ्रति, सूपकार खाली स्थान भोजनम जिघ्रति नासिका, तो क्या आएगा यहाँ पे नासिकया, क्या पर यहाँ पर आएगा नासिकया। इस प्रकार से इसको यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए हैं शब्द उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको इन रिक्त स्थान के अंतर्गत शब्दों को भरना है और इसी प्रकार आप इसको करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माण करो, स्थूल माने होता है मोटा और जो पद नीचे दिया है उसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो यहाँ पर आएगा मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे शरीरस्य आया सजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, शरीरस्य आया सजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, शरीर का परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। अब इसका प्रश्न निर्माण क्या आएगा उसको समझिए, कस्य प्रश्न निर्माण में क्या लग जाएगा कस्य, कस्य माने किसका, आया सजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, किसका परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। फिर है अरयः व्यायामिनम न अर्धयन्ति, अब हमें फिर इसका प्रश्न निर्माण करना रहेगा, तो क्या आएगा जैसे इसमें दिया है शत्रुगण व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं, तो प्रश्न निर्माण क्या है अरयः, तो क्या आएगा के व्यायामिनम न अर्धयन्ति, कौन व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते हैं, ठीक। फिर दिया है आत्महितैषि भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः, अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए, प्रश्न निर्माण क्या आएगा। अब आत्महितैषि जो पूछा गया तो क्या आएगा इसका प्रश्न निर्माण, कई कई, क्या आएगा कई, यानी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, किनके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए, किनके द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए, ये प्रश्न निर्माण हो गया। फिर है व्यायाम पूर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता, अब इसका प्रश्न निर्माण क्या आएगा, व्यायामम पूर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, यानी व्यायाम करने वाले का कैसा भोजन भी पच जाता है, मतलब वो किसी प्रकार का कैसा भी भोजन करे तो उसका जो भोजन है वो क्या हो जाता है पच जाता है। फिर है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, संभवती यानी अंगों का शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है, अंगों का शारीरिक सौंदर्य किससे होता है व्यायाम से होता है, भाई हम अच्छे से व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर सुंदर दिखता है सुगठित दिखता है। अब इसका प्रश्न निर्माण क्या आएगा, केशां सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, किनका केशां माने किनका शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है। फिर है षष्ठ श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्त स्थानी पूर्यतः, छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। उत्तर जैसे दिया है बेनतेयम समीपे
उर्गा न उपसरन्ति उपसर इस प्रकार वेदेयम समीपे उर्गा न उपसरपन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपं व्याधयः न गच्छन्ति व्यायामः वयोरूप गुणहीनम् अपि जनं सुदर्शनं करोति। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यायामस्य लाभः इति विषयं अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषा एकम अनुच्छेदम लिखा। जैसे व्यायाम जठराग्नि उत्तमा भवति, जठराग्नि जो होती वो अच्छी होती है। व्यायाम आरोग्यम जायते, हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, हम हमेशा स्वस्थ रहते। व्यायाम अंगेषु कांति भवति, व्यायाम से हमारे जो अंग हैं जो शारीरिक सौष्ठव वो सुंदर दिखाई देता। व्यायाम सदृशम स्थूल आकर्षम किंचित अपि नास्ति, अंतर हमारा जो मोटा शरीर है तो जो क्या होता है कि अच्छा नहीं रहता, लेकिन उससे एकदम सुगठित शरीर हो जाता व्यायाम से ना। फिर है व्यायाम अभिरतस्य वृद्धावस्था शीघ्रम, व्यायाम से वृद्धावस्था भी शीघ्र नहीं आती। इस प्रकार चौथा जो मैंने बताया व्यायाम सदृशम स्थूल अपकर्षणम किंचित अपि नास्ति, मतलब थोड़ा भी वैसा नहीं दिखता। यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारा जो शरीर है अच्छा दिखता है, खराब नहीं दिखता। चलिए यथा निर्देश मुत्रा, जैसा निर्देश हो उत्तर दीजिए। जैसे तत्कृत्वा तुम सुखम देहम अत्र विशेषण पद, इसमें विशेषण पद क्या है सुखम, ठीक है। फिर व्याधो नोपसर्पन्ति वैनते भी वो उर्गा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, क्रियापद कौन सा है इसमें उपसर्पन्ति। पुंभी भीरात्म हितैषि भी अत्र पुरुष इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्त, ये किस मतलब पद में इसमें प्रयुक्त हुआ, तो पुंभी में। दीप्ताग्नि त्वा मलालयस्यम स्थित्वम लाघवम रजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थम पदम, तो इसका विपरीत पद क्या आएगा है ना, तो क्या आएगा इसमें लाघवम, क्या आएगा गौरवम का लाघवम। न चास्ति सादृशक तेन किंचित स्थौलाकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी व्यायामा इस प्रकार से ये आपके आएंगे जैसे इसमें दिया है। फिर है इस प्रकार निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरु, निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थान में प्रयोग करिए। ऊपर देख रहे होंगे आप बच्चों सब लिखा है जो अव्यय दिया हुआ है, जैसे सहसा अपि सदृशम सर्वदा यदा सदा अन्यथा। अब आपको इन रिक्त स्थानों में क्या करना है, इन अव्ययों को करना भरना है। जैसे खाली स्थान व्यायाम करता बस सर्वदा, खाली स्थान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सा खाली स्थान स्वस्थ दिशति यदा सदा। व्यायामेन असुंदरा खाली स्थान सुंदर भवति अपि भी है ना अपि। फिर व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं खाली स्थान नयाति सहसा। व्यायामेन खाली स्थान किंचित स्थौलापकर्षणम नास्ति, क्या आएगा इसमें क्या सहसा, इसमें आएगा सादृशम। व्यायामेन खालिस्थान किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति सादृशम। व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम खालिस्थान व्याधया आयन्ति अन्यथा। इस प्रकार जो अव्यय दिए हुए हैं इसको आपको पूरा करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदाहरण मनुसृत्य वाच परिवर्तन कुरु, उदाहरण के अनुसार वाच में परिवर्तन करना है, कर्मवाच और कृतवाच, ठीक है, कर्मवाच और कर्तृवाच वाच्यम। जैसे इसमें दिया है आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, इसमें क्या आएगा आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति, ठीक है। फिर है एक उदाहरण दिया था, अब पहला दिया है बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, तो क्या आएगा बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति। जनहि व्यायामेन कांति लभते, तो जना व्यायामेन कांति लभन्ते। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहना पाठम पठति। लत्या गीतम गीयते, लता गीतम गायति। इसके बाद दिया है
अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम् च पृथक कृत्वा लिखनी। नीचे लिखे हुए तद्धित शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखना। जैसे इसमें दिया मूल शब्द प्रकृति है ना, और प्रत्यय पथ्यतम पथ्य और तमप प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा है? तमप। सहिष्णुता सहिष्णु और तत्प्रत्यय। मूल शब्द क्या आएगा? सहिष्णु। अग्नित्वम अग्नि शब्द मूल शब्द है प्रकृति और क्या लगा है? त्वा प्रत्यय। स्थिरवत्वम स्थिर त्वा प्रत्यय। लाघवम लघु अण प्रत्यय। इस प्रकार से बच्चों आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ते हुए इसको पूरी तरीके से अपनी कॉपी में लिखते भी जाना है। तो प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं आपको इनको सबको बेटा जो भी दिए कॉपी में नोट करना है, और जो भी आपने रजिस्टर बनाया है, जो कॉपी बनाई है, उसमें बहुत अच्छे से आप इनको लिखते जाइए। इनके प्रश्न उत्तरों को बेटा आपको लिखकर याद करना है, क्योंकि ये संस्कृत है तो आपको संस्कृत भाषा में ही इसके प्रश्न उत्तरों को लिखना रहेगा। इसलिए आप जो भी कॉपी बनाएंगे जो भी बनाएंगे आपको उसको उसमें क्या करना है, लिखना है और पढ़ते जाना है। धन्यवाद।